और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। अभी अभी राहुल बाबा को स्वप्न बहुत आते हैं। स्वप्न समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? रात में आए तो समझिए, दिन में भी इनको स्वप्न आते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां कहते हैं, अभी मध्य प्रदेश गया हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान गया कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, तेलंगाना आए थे हमारी सरकार बनेगी। बनेगी क्या? जोर से बोलो, बनेगी क्या? अरे राहुल बाबा, 2014 से लेके 2018 तक का आपका इतिहास उठाकर देख लो क्या हुआ है आपके साथ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने चुनाव देश में आए? सबसे पहला महाराष्ट्र का चुनाव आया, कांग्रेस गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा का चुनाव आया, कांग्रेस गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झारखंड का चुनाव आया, कांग्रेस गई, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव बनी, सरकार बनी। जम्मू कश्मीर, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। असम कांग्रेस गई, मणिपुर कांग्रेस गई, नागालैंड कांग्रेस हारी, मेघालय कांग्रेस हारी, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों गए, भाजपा की सरकार बनी। हिमाचल कांग्रेस गई, गुजरात कांग्रेस हारी, गोवा कांग्रेस हारी, उत्तराखंड कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी। अब तेलंगाना में चुनाव है, ये राहुल बाबा को स्वप्न आता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, आज भी एक महान तेलंगाना की जनता पीवी नरसिम्हा राव का जो आपने अपमान किया था वो भूली नहीं है, टी अंजैया का जो अपमान किया था वो आज भी तेलंगाना की जनता भूली नहीं है। मित्रों,